सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो है पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने जा रही हैं तो जाने से पहले मेरी सारी वीडियोज़ तो आपको देख ही लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से पता हो कि वो कौन से फीचर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है और कौन से फीचर्स के मुताबिक आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का चुनाव करना चाहिए। पिछली वीडियोस में मैंने आपको 360 डिग्री वाटरफॉल टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट ड्राइव मोटर और बेल्ट ड्राइव मोटर के बारे में बताया। उन वीडियोस का खुलासा ये है कि आपको ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए जिसमें 360 डिग्री वाटरफॉल टेक्नोलॉजी हो और डायरेक्ट ड्राइव मोटर हो और इन्वर्टर मोटर हो। तो चलें अब बात करते हैं पिलो टेक्नोलॉजी की, क्योंकि पिलो ड्रम भी अक्सर देखने में आता है लफ्ज। आप हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखें, डॉलेंस की देखें, ग्रे की देखें, किसी की भी देखें, आपको अक्सर ही पिलो ड्रम लिखा नज़र आएगा। खुद से सवाल करें, क्या आपको पता है पिलो ड्रम क्या होता है? तो अगर आपको इसका जवाब नहीं पता होगा, दुकानदार से भी पूछेंगी तो वो यहाँ वहाँ की बातें करके आपको बहला देगा, समझ आपको फिर भी नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो जल्दी से पहले इसको लाइक कर दें, आज का लाइक्स टारगेट है 2500 लाइक्स। अगर 2500 लाइक्स हो गई हैं फिर भी लाइक कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं पिलो टेक्नोलॉजी की। पिलो टेक्नोलॉजी समझाने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते कैसे हैं। जाहिर है हाथ का तो कोई इस्तेमाल नहीं है, ना तो आप कपड़ों को रगड़ेंगे, ना तो पटखेंगे, ना तो ब्रश से साफ़ करेंगे। जो करना है वॉशिंग मशीन ने ही करना है। इसका मतलब है वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है कि बग़ैर हाथ के इस्तेमाल के कपड़े साफ़ सुथरे होकर निकल आते हैं। अब जब ऐसी शदीद धुलाई होगी तो नाजुक कपड़ों के तो छिल जाने का ख़तरा होता है, उनके धागों के उधड़ जाने का ख़तरा होता है। पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी में ये सहूलत होती है कि ड्रम के अंदर मौजूद कुछ पिलोज़ होते हैं जो कपड़ों को फिसलाते रहते हैं ताकि वो चिरे नहीं, फटे नहीं, टूटे नहीं। पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी दिखती है जैसी आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है। आपको ऐसी ही वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए जिसमें पिलो ड्रम हो, ताकि आपके नाजुक से नाजुक कपड़े भी अगर आप उसमें धोएं तो वो फटे नहीं या चिरे नहीं। कभी आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ढक्कन उठाकर देखा है? उसके अंदर एक ड्रम होता है जिसके साथ छोटी छोटी छुरियाँ सी लगी हुई नज़र आती हैं। देखते ही बंदा डर जाता है कि इसमें नाजुक कपड़े डाले और उन्होंने मशीन के अंदर दो चार चक्कर ही खाए तो इन सारी साथ में लगी हुई छुरियों से तो वो चिर जाएंगे। तो यहाँ पर काम होता है पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी का। अब आप ज़रा इस तस्वीर पर गौर करें, इसमें वॉशिंग मशीन के ड्रम का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। देखें कैसे छोटे छोटे पिलोज बने हुए हैं, जैसे तकिए होते हैं, बीच में से उठे हुए और कॉर्नर से अंदर हुए हुए। जाहिर सी बात है इस पर हाथ भी फेर के देखें तो आपको नरम गुदाज और मुलायम सी फीलिंग होगी। यही फीलिंग आपके कपड़ों को भी होगी, वो फटेंगे नहीं और चिरेंगे नहीं। लेकिन सब वॉशिंग मशीन में ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो अगर पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी हो तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि आपके कपड़े उसमें महफूज रहेंगे। तो आपको कैसी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए जिसमें 360 डिग्री वाटरफॉल टेक्नोलॉजी हो ताकि खूब ज़ोर से पानी गिरे, पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी हो ताकि कपड़े फटे नहीं, और डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर हो ताकि मशीन एफिशिएंट हो, देर पा हो, बहुत साल चले और बिजली भी कम खाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हायर की ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बताऊं जिसमें ये सारे ही फीचर्स हों, तो चले मैं आपको उसका नाम बता देता हूं। आपको ले लेनी चाहिए हायर की HWM150-866। इसमें 360 डिग्री वाटरफॉल टेक्नोलॉजी भी है, डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर भी है और पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी है। ये 15 किलोग्राम के कैपेसिटी में आती है और 15 किलोग्राम तो काफ़ी ही होगी पूरे घर के कपड़े इकट्ठे धोने के लिए। मैं आपको इसकी पार्ट्स वारंटी का भी बता देता हूँ, 1 साल इसकी पार्ट्स वारंटी है और 10 साल इसकी मोटर वारंटी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से इसको लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए। कमेंट्स में बताएं कि आप किस खास फीचर के बारे में जानना चाहती हैं। जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स लेने से पहले मेरी सारी ही वीडियो ज़रूर देख लें। अल्लाह हाफिज़।